सिराजगंज पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने मंगलवार को दिन के 2 बजे फरेंदा थाने के मालखाने में रखे एक एक सामान की बारीकी से जांच किया तथा थाने पर रखे हथियार को खोलने तथा बंद करने की पुलिस वालों से जांच कराया, परंतु जांच में फेल रहे पुलिस वाले। पुलिस अधीक्षक थाने में रखा रबर बुलेट लगाने, एंटी कार्बाइन एंटी गन को खोलने के लिए संतोष कुमार, सुजीत कुमार यादव, विजय कुमार को लगाया, परंतु पुलिस अधीक्षक के जांच में तीनों फेल रहे। जगनारायण यादव चौकी इंचार्ज फरेंदा भी नहीं समझ पाए। पुलिस अधीक्षक के सामने के यशवंत किड़ेंद्र चौधरी ही हुए पास। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महाराजगंज ने थाने में रखी फाइल की टॉप 10 सूची देखी। पुलिस क्षेत्र अधिकारी फरेंदा अशोक कुमार मिश्रा को निर्देशित किया कि थाने में जमा सभी हथियार की साफ सफाई व दस्तावेज ठीक से रखें, पीने के पानी का बंदोबस्त करें। टॉप 10 की सूची में दर्ज अपराधियों को जिला बदर या रासुका लगाकर पाबंद करें। विगत वर्षों से चालान पड़े वाहनों का आरटीओ द्वारा नीलाम कराने के लिए अग्रेषित करें। क्षेत्र गांव की सूचना न देने वाले चौकीदार की छुट्टी करें। हर महीने में एक बार चौकीदार सम्मेलन करवाएं। थाने पर 15 पुरुष आरक्षी 6 महिला आरक्षी का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दिन में 8 से 9 बजे तक शहर में पुलिस गश्त कराएं। 11 से 1 बजे तक सड़क पर लापरवाही से खड़े ट्रक, बिना हेलमेट चालक 3 सवारी चलना, बिना सीट बेल्ट लगा कर गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस बिना हेलमेट चलने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाएं। 1 से 3 बार तक जुर्माना लगाने के बाद वाहन मालिक के ऊपर विधिक कार्रवाई करें। दंगा नियंत्रण के लिए आरक्षी को अभ्यस्त कराएं। बाढ़ क्षेत्र का दौरा करते रहें। समय समय पर बाढ़ क्षेत्र की खबर अंकित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी उस स्थान पर पहुंच सकें। पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने 1.25 घंटे तक थाने का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया थाने की साफ सफाई, अस्त्र शस्त्र का रखरखाव, वाहन का रखरखाव, पुराने वाहन की नीलामी सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की कोताही खतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब कारोबार के कारोबारियों को चिन्हित करें। चौकीदारों द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओं की सूचना लेते रहें। चौकीदारों का समय समय पर वेतन मिलना सुनिश्चित हो सके। PLL News के लिए विश्वामित्र मिश्रा की रिपोर्ट।